Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी ग्राम पंचायत में सरपंच पति कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, बाकायदा इसके लिए जिला पंचायत की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की जाती है, लेकिन कुरु से जो तस्वीर सामने आई है वो कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल कुरु के एक गाँव में सरपंच पति ने दिव्यांग संस्था में जाकर वहाँ कर्मचारियों और लोगों को धमकाया है। देखिए खबर। दरअसल यह झकझोर देने वाला मामला धमतरी के रुद्री का है, जहाँ सरपंच अनीता यादव के पति जो पंचायत विभाग में पदस्थ है मुकेश यादव के द्वारा रुद्री के एग्जेक्ट फाउंडेशन जो कि दिव्यांग बच्चों की संस्था है वहाँ जाकर संचालिका को धमकाया गया है। बावजूद इसके रुद्री के सरपंच पति एवं सरपंच आकर भवन एवं जमीन को लेकर संस्था में आकर धमकी चमकी किए हैं। इसकी शिकायत धमतरी कलेक्टर रजत बंसल को देने की बात दिव्यांग संस्था के कर्मचारियों ने कही है। इस मामले में जब हमने रुद्री के सरपंच अनीता यादव से उनका पक्ष लिया तो उसने यह सारी आरोप निराधार बताया, ऐसा कुछ न होने की बात कही। वहीं संस्था के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सरपंच पति ने आकर उन्हें डराया और धमकाया है। सर, हमने संस्था दांडेसरा से 2016 में स्टार्ट किया था, जहाँ हमने स्टार्ट किया था वह भी बहुत जर्जर था। ग्रामीण वासियों के सहयोग से हमने उसको रहने लायक बनाया, कुछ सपोर्ट था उस गांव का हमें और बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन वो अस्थायी रूप से था, किसी का भवन था, 5 साल के लिए दिया गया था। हमने कलेक्टर साहब से मांग करी, कलेक्टर सर ने हमें ये भवन दिया था और अभी मई में हम लोग शिफ्ट हुए हैं, 2019 मई में शिफ्ट हुए हैं और तब से स्टार्ट है, अच्छे से चल रहा था कि अभी एक हफ्ते से गांव वाले थोड़े परेशान कर रहे हैं। गांव वाले नहीं, सरपंच के पति जो आए थे उन्होंने बोला कि आपको भवन खाली करना पड़ेगा। हमने बोला कि ये हमें शिक्षा विभाग ने दिया है, तो फिर वो बोले कि नहीं आप लोग को खाली करना पड़ेगा। सरपंच जी मैडम लोग की मुलाकात हुई है और मैडम से बात हुई है, सरपंच का क्या कहना है? वो बोलते हैं कि आप लोग को खाली करना ही पड़ेगा। कि हमने उनसे केवल बुलाया सरपंच के द्वारा, मेरा हक है उनको बुलाना और उनसे पूछना, अधिकार है मेरा कि ये स्कूल चलाई जा रही है तो किसके आधार पे चलाई जा रही है। उसके लिए मैंने उनको लेटर जारी किया है, उसका सबूत मेरे पास ये है और उनको स्कूल में यहाँ पर ग्राम पंचायत में बुलाया गया है और उनसे मांगा गया है कि आप किस आधार पर वो स्कूल को चला रहे हैं। चूंकि मेरे पास ग्रामवासियों के द्वारा कुछ बातें आई थी कि हमारी प्राइमरी स्कूल है वो पूरी जर्जर हो गई है, वास्तविक में मैंने जाके देखा है तो स्कूल पूरी जर्जर हो गई है और हमारे रुद्री में जगह की बहुत कमी है, इसके कारण आप प्राइवेट स्कूल वहाँ चला रहे हो तो किस आधार पर चलाया गया है केवल मैंने इतना पूछा। मेरे पति कहीं गया नहीं है, मेरे पति का इसमें कोई भी हाथ नहीं है और मेरे साथ में उस दिन जिस दिन उनको बुलाया गया था उस दिन मेरे पंच लोग भी साथ में थे, एक नहीं 4-5 पंच साथ में थे, हमारे उप सरपंच भी थे, हमारी पंच है अनीता वर्मा है, ये थी शुभम साहू थे और 2-4 पंच थे, ओझा थी और इंदु ओझा थी, सॉरी वो संस्था यहाँ साल भर से ज़्यादा हो गए चलते हुए, क्या आपको पहले पंचायत की जानकारी भी नहीं था? सर मेरे को बने 3 महीना हुआ है। नहीं, पहले वाले जब परमिशन दिए थे तो यहाँ पे होगा? नहीं, मैं नहीं जानती इसका परमिशन यहाँ था कि नहीं था, उसको मैंने पूछा भी सचिव जी से कि इसका कुछ यहाँ आदेश कॉपी है क्या, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं मेरे को पता नहीं है ऐसे कर, तो मैंने केवल उनको पूछने के लिए। फाउंडेशन संस्था की अध्यक्ष हूँ, हम लोग ये संस्था 2016 से स्टार्ट किए हैं और हम लोग 0 बैलेंस स्टार्ट किए सर, लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से ही, तो अभी हम लोग रुद्री में पिछले साल से ही स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पे अच्छे से संचालन हो रहा था, फिर अचानक से अभी शुक्रवार को सरपंच के पति आए और एक काम दिया है कैसा है गवर्नमेंट दे नहीं सकते इसको खाली करना पड़ेगा ऐसे करके, तो हम लोग उसको हल्के में लिए ऐसे बोल के चले गए।